हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता, और आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं अपना ऑर्गेनिक का वन शॉट वीडियो, मतलब ही चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव का वन शॉट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है गाइस कि हम लोगों ने 12 का सिलेबस कंप्लीट तरीके से कवर कर लिया है। पूरे के पूरे 12 के जितने भी सिलेबस है, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 16, वी कंप्लीटेड ऑल। उसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया वन शॉट सीरीज़ स्पेशली फॉर यू गाइस। तो बेसिकली जो वन शॉट सीरीज़ है उसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक पूरा डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद जैसे कि आप सभी ने बताया कि यू वांट ऑर्गेनिक वन शॉट वीडियोस ऑन बोर्ड, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये वीडियो हुआ है। मतलब बेसिकली आप लोग सभी लोग बोल रहे थे ना कमेंट्स में, आप सभी ने बताया कि जो भी वन शॉट वीडियो है ऑर्गेनिक के स्पेशली, वो आपको बोर्ड पे चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कभी भी आपको पीसी पर या पीपीटी के थ्रू मैं नहीं समझा सकती हूँ। और समझा भी दिया तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। रीज़न ये है क्योंकि ऐसे ऐसे दिखा के मैं आपको पढ़ा ही नहीं सकती ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए वी रिक्वायर दिस बोर्ड, ठीक है। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्गेनिक का वन शॉट वीडियो, जो कि है लगभग ये 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट का होगा। उससे ज़्यादा मैं इसको एक्सटेंड नहीं करूँगी। जाहिर सी बात है, अगर मैं इसी वीडियो को 3-4 घंटे खींचते रहूँगी तो आप लोग उसको देखेंगे ही नहीं। रीज़न ये भी है क्योंकि पेपर्स भी काफ़ी नज़दीक है, तो अगर पेपर्स काफ़ी क्लोज है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग एक ही वीडियो के वन शॉट वीडियो को देखने के लिए लगभग 3-4 घंटे अपने स्पेंड करें, क्योंकि टोटल 16 चैप्टर्स है ना। तो एक ही चैप्टर आपको थोड़ी पढ़ना है, आपको तो सारे 16 चैप्टर्स को कवर करना है। तो मैं ये वन शॉट वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं करूँगी। फिर दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, तो क्या ये वन शॉट वीडियो में हमारा पूरा कवर होगा? तो पूरा तो कवर नहीं होगा, लेकिन 90% जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं पूरा कवर करूँगी। मतलब कहना मुझे ये है कि ये वन शॉट वीडियो जो देख लेगा ऑर्गेनिक के स्पेशली, उन लोगों को ऑर्गेनिक के मोस्ट ऑफ द सारे ही क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करते आएंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप पूरा पूरा अगर पढ़ते जाएंगे तो बस भाई फिर तो हो गया। क्योंकि पूरा अगर पढ़ने के लिए गए ऑर्गेनिक को तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप बाकी चीज़ें पढ़ पाओ। और पूरा पढ़ने के बाद भी क्या गारंटी है कि आपको पूरा पेपर में सॉल्व करते आएगा? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उससे बेटर है कि जिनसे पूरा नहीं होता है ना, पूरा पढ़ो ही मत। जितना मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ ना चैप्टर में से, उतना पढ़ लो और आपको पेपर में मैं गारंटी देती हूँ साइन करके कि आपको सॉल्व करते आएंगी, ठीक है। इसके बाद ये भी चीज़ है कि आप लोगों का, जैसे कि आपको पता है कि आपका पेपर 12th of March को है। अब 12th of March को अगर आप देखते हो तो आपको सिर्फ एक दिन का गैप है, और एक दिन में पूरे अगर इतने सारे चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो कुछ भी होगा नहीं। उससे बेटर है कि पहले से ही पढ़ के रख दो और उस दिन रिवीजन करने का। रिवीजन उसी का होगा जिसने पहले से बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स को। तो ये सारी वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आएंगे वो आपसे पूरे सॉल्व हो जाएंगे। और अब जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें भी जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस रहेंगे इस चैप्टर से, वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे इस वन शॉट वीडियो को देखने के बाद, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो भले आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो। नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, अब पढ़ना चालू कर दो भाई। तो अब आप लोग जब ये वन शॉट वीडियो का सीरीज़ देखेंगे ऑर्गेनिक का, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी लेके बैठने का। ब्लैंकली वीडियो को मत देखो, अदरवाइज़ ये कुछ भी यूज़फुल नहीं रहेगा। एक कॉपी लेके बैठने का, और जो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको लिखते भी जाने का साइड बाय साइड, वीडियो को पॉज करने का और उसको लिखने का, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट उतना भी तो पढ़ लो, अदरवाइज अगर पूरा ऑर्गेनिक छोड़ेंगे तो केमिस्ट्री आपको छोड़ देगा। चलो देखते हैं हैलोजन डेरिवेटिव को। तो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव को, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो का फर्स्ट वाला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए डिस्कस करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये हैलोजन डेरिवेटिव क्या है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसका नाम ही है हैलोजन। इसका मतलब जाहिर सी बात है भाई कि इसके अंदर में हैलोजन्स आने वाले हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे नाम होते हैं वैसे ही काम होते हैं। अब नाम ही है हैलोजन्स, मतलब इसके अंदर में हैलोजन भी आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगर मैं बात करती हूँ हैलोजन डेरिवेटिव्स, मतलब ऐसे कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हैलोजन्स दिखेंगे आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और वो सारे होंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसलिए अपन उसको पढ़ के अपना टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कॉमन नेम और IUPAC नेम वाला पार्ट। कॉमन नेम होता है और सेकंड होता है IUPAC नेम। ऐसे दो टाइप के नेम्स होते हैं,
और आपको ये भी बात याद रखना है कि हर साल कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम से एक क्वेश्चन तो होता ही है। अगर मैं बात करूँ कॉमन नेम की और आईयूपीएसी नेम की, तो सबसे पहले कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम को तो सभी को सॉल्व करते आ जाएगा जिसको जनरल फॉर्म पता हो कि कॉमन नेम का जनरल फॉर्म क्या होता है, आईयूपीएसी नेम का जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको वो जनरल वाला फॉर्म पता है तो आप किसी भी कॉमन नेम या किसी भी आईयूपीएसी नेम को लिख सकते हो। चलिए देखते हैं। तो कॉमन नेम को अगर आपको लिखने का है तो हम लोग देखो कैसे लिखते हैं, हमेशा कॉमन नेम को हम लोग लिखते हैं अल्किल हैलाइड के फॉर्म में, ये होता है जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म पता है तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। मतलब अगर आपको लिखने का है मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, इथिल आयोडाइड, प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल हैलाइड, तो बेसिकली हर जो जितने भी नाम आएंगे कॉमन नेम में उसका जनरल नेम कैसे फॉर्म में आता है, अल्किल हैलाइड के फॉर्म में। वही अगर मैं बात करती हूँ आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम का जनरल फॉर्म आता है हेलो अल्किन के फॉर्म में। तो इतना पार्ट आपको याद रखना है। तो जो भी कॉमन नेम है उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, अल्किल हैलाइड, और जो भी आईयूपीएसी नेम है उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, हेलो अल्किन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ऐसा। आपको ये भी बात याद रखना है कि यहाँ पे आप Cl को क्लोराइड बोलते हो, यहाँ पे आप Br को ब्रोमाइड बोलते हो, यहाँ पे आप फ्लोरीन को फ्लोराइड बोलते हो, और यहाँ पे आप आयोडीन को आयोडाइड बोलते हो। वही अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप F को फ्लूरो बोलते हो, यहाँ पे आप Cl को क्लोरो बोलते हो, यहाँ पे आप Br को ब्रोमो बोलते हो, और यहाँ पे आप I को आयोडो बोलते हो। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है, हैलो, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ठीक है। तो कॉमन नेम का जनरल फॉर्म अल्किल हैलाइड, कॉमन आईयूपीएसी नेम का जनरल फॉर्म हेलो अल्किन। अब आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि जनरली पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आईयूपीएसी नेम से ही आता है, कॉमन नेम से वो नहीं पूछता है, क्योंकि कॉमन नेम जो है वो ओल्ड जनरेशन का है, पुराने जनरेशन का है, और जो आईयूपीएसी नेम है वो न्यूली जनरेशन का है, न्यू जनरेशन का है। इसलिए जो भी अगर आप प्रीवियस ईयर को देखते हो तो आपको हर साल एक क्वेश्चन एक मार्क का कॉमन नेम से ही आता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने आगे के रिएक्शन की तरफ। तो आगे के रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या अल्कोहल से अल्किल हैलाइड को बनाया जा सकता है। ये चीज़ आपको दिमाग में बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर आपको अल्कोहल से अल्किल हैलाइड को बनाना है तो अपने पास एक ही मेथड है ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे अलग अलग मेथड का यूज़ करके आप अल्कोहल से अल्किल हैलाइड को बना सकते हो। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग अल्कोहल से अल्किल हैलाइड को बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना। चलिए तो सबसे पहली मेथड देखो क्या है, मेथड नंबर वन। तो यहाँ पे आप लोग हर एक मेथड में देखो क्या करने वाले हो, कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब ही होता है ROH, आप अल्कोहल को कन्वर्ट करने वाले हो इनटू अल्किल हैलाइड। तो ये वाली चीज़ आप करने वाले हो, कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्किल हैलाइड, जिसको हम लोग RH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं सबसे पहली मेथड को। तो सबसे पहली मेथड देखो क्या है, जिसको हम लोग ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस भी बोला जाता है, या तो आप डायरेक्टली उसको ये भी बोल सकते हो। देखो आपको करने का क्या है, मैं सीधा सीधा बताती हूँ। सबसे पहले आपको लेने का है अल्कोहल, अल्कोहल सबसे पहले आप लोग लेंगे, अल्कोहल के अंदर में आप लोग डालेंगे HX को, और यहाँ पे कुछ रिएक्शन कंडीशन रहेगी, और यहाँ पे आपका फॉर्म होगा RX+H2O। देखो कैसे फॉर्म होगा, सबसे पहला अपना तो वही ट्रिक है भाई कि सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, जो भी चीज़ बच जाएंगी उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना देंगे। यही चीज़ अपन ने की थी ना, वही वाली चीज़ अपन आज भी करने वाले हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर देंगे घर के बाहर, यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को, मतलब ही H2O को कर देंगे घर के बाहर। फिर क्या करेंगे, जो भी चीज़ बच जाएंगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे,
उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। ये काम अपन ने यहाँ पे किया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर देंगे घर के बाहर, जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। अब यही काम अपन को नीचे वाले रिएक्शन में भी करना है। तो नीचे वाले रिएक्शन में मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ले रही हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस होंगी, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ हर जगह पे आर लिया तो मेरा तो उसमें फ़ायदा है क्योंकि मेरे को ज़्यादा दिखाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका उसमें काफ़ी लॉस होगा क्योंकि अगर मैंने अल्किल के जगह पे अलग अलग चीज़ों को सब्सटीट्यूट नहीं किया तो पेपर में आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन वो है। इसलिए हम मैं आपको पेपर ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ, मतलब ये पढ़ने के बाद आपको पेपर सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। अपन लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे CH3OH को और उसके अंदर में डालेंगे HCl को। ये पहली वाली रिएक्शन है जो अपन डिस्कस करने वाले। सेकेंड अपन ले लेंगे CH3CH2OH, उसमें डालेंगे हम लोग HBr को, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं CH3CH2CH2OH, इसके अंदर भी HBr डाल के देखो कैसे क्या होता है। और उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं CH3CH2CH2OH और इसके अंदर में डालेंगे HI। ऐसे हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस को देखने वाले हैं। चलो डिस्कस करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। यहाँ पे सबसे पहले मैंने HCl लिया, यहाँ पे HBr लिया, यहाँ पे HBr लिया और यहाँ पे HI लिया। चलो करना तो वही वाला काम है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, बस एक ही चीज़ करने की है। सबसे पहले आपको मैं रिएक्शन कंडीशन लिख देती हूँ। तो सबसे पहले जब भी आपको HCl आप लेते हो तो वहाँ पे आपको हमेशा लेने का है NHZNCl2। रीज़न ये है, मैंने यहाँ पे NHZNCl2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे भी है क्लोरीन, तो जाहिर सी बात है जो कैटलिस्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी उसमें भी क्लोरीन होना चाहिए। अब यहाँ पे है HBr, तो इसलिए यहाँ पे जो चीज़ मैं लूँगी वो देखो क्या रहेंगी, NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। मैंने यहाँ पे NaBr इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे अपन को Br चाहिए था, इसलिए मैंने कैटलिस्ट भी वो सिलेक्ट किया जिसमें Br होगा। उसके बाद में यहाँ पे भी HBr है तो वही वाला कैटलिस्ट लेंगे, NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर आप लास्ट में देखते हो तो आपको दिख रहा है HI, मतलब आपको कैटलिस्ट भी ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें आई होना चाहिए, तो आप लेंगे यहाँ पे NaI इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। चलो डिस्कस करते हैं। करना वही है, करना कुछ ज़्यादा नहीं है, देख लेते हैं क्या क्या करने का है। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर देंगे घर के बाहर, हर जगह पे आपको वही काम करने का है। फिर क्या करेंगे, जो भी चीज़ बच जाएंगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो यहाँ पे बनेगा CH3Cl, समझ गए ना, इन दोनों को जोड़ देंगे, चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। नेक्स्ट वाला काम कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से भी कर देंगे, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर देंगे घर के बाहर, कर दिया भाई पानी को घर के बाहर। फिर क्या करेंगे, जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो बस यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3CH2Br। नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर देंगे घर के बाहर, कर दिया भाई मैंने पानी को घर के बाहर। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो जोड़ो, चिपकाओ और प्रोडक्ट को बना लो। लास्ट वाली रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको क्या करने का है, वही सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर देंगे घर के बाहर, उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी चीज़ बच जाएगी उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन थी। इसमें से अगर पेपर में कोई भी रिएक्शन आ गई तो आप लोग कर लेंगे, और पेपर में इसी में से रिएक्शन आएंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि आपका पेपर ही 12th of March को है जो कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए मैं उसी ओरिएंटेड आपको पढ़ा रही हूँ कि आपका पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि ये वन शॉट वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने नॉर्मल सीरीज़ के वीडियोज़ नहीं भी देखे ना कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाई नहीं की ना कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट ये वीडियो को तो देख लो, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुश्किल से चैप्टर कितने हैं, पाँच। अगर आपने घंटे भी दे दिए तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर में पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आएंगे। अब बताओ भाई, येस और नो। चलिए आगे देखते। अब जो है ये तो हुई एक टाइप की प्रोसेस जिसमें आप अल्किल हैलाइड को बना सकते हो। अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड टाइप की प्रोसेस यूजिंग PCl3। PCl3 से भी आप अल्किल हैलाइड को बना सकते हो। इसके अलावा तीसरी थिंग जो है वो है यूजिंग PCl5। PCl5 से भी आप अल्किल हैलाइड को बना सकते हो।
उसके बाद में जो नेक्स्ट थिंग है वो है यूजिंग SOCl2। तो SOCl2 से भी आप अल्किल हैलाइड को बना सकते हो। पेपर में हर साल ये जो जितने भी रिएक्शन मैंने पढ़ाए उसमें से एक क्वेश्चन आता है। अगर कोई साल ये वाला आया, इस वाले साइड से आया, तो कोई साल ये साइड से आया, कोई साल SOCl2 से आया, कोई ईयर में ये वाले इससे आया, तो हर एक ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए। बट ये वाले वाइट बोर्ड पे जितना भी अभी मैं लिखूंगी उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, ऐसा मैं आपको साइन करके बता देती हूँ कि आने वाला है भाई। तो अच्छे से आप लोग कर लो सारे के सारे, समझे या नहीं समझे। चलो डिस्कस करते हैं PCl3 के रिएक्शन को। चलिए गाइस देखते हैं कि बेसिकली PCl3 में होगा क्या। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको तो अल्कोहल से बनाने का है, तो यहाँ पे आप लोग लेंगे अल्कोहल को ले लेने का। अदरवाइज अल्कोहल को लेने से अच्छा है मैं डायरेक्टली वो बताती हूँ जो पेपर में आ सकता है। जनरल पढ़ा के क्या मतलब, जनरल थोड़ी पेपर में आएंगे। पेपर में तो ये ऐसे रिएक्शन आते, जनरल थोड़ी आता है कभी। तो अभी अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं एक रिएक्शन को। दो रिएक्शन डिस्कस करवा रही हूँ, वो दोनों रिएक्शन में से एक रिएक्शन आ सकती है पेपर में, ठीक है। अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले इथिल अल्कोहल को लेके, और उसके बाद अपन लोग डिस्कस करते हैं प्रोपिल अल्कोहल को लेके, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसको बोला जाता है इथिल अल्कोहल, इसको बोला जाता है प्रोपिल अल्कोहल, क्योंकि दो कार्बन वाले अल्केन का नाम इथेन होता है। तो दो कार्बन वाले अल्किल का नाम इथिल होगा और इसका नाम क्या होगा, इथिल अल्कोहल। तीन कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है प्रोपीन, तीन कार्बन वाले अल्किल का नाम क्या होगा, प्रोपिल, इसलिए प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, हमेशा दिमाग में एक चीज़ तो फिटी कर लो भाई। यहाँ पे अगर आपको PCl3 दिख रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर में एक क्लोरीन है, तो वो आपको देगा भी क्या, क्लोरीन। जाहिर सी बात है ना, जो मेरे पास रहेगा वही मैं आपको दूंगी। अब इसके पास क्लोरीन है, मतलब ये आपको देगा भी क्या, क्लोरीन ही देगा ना, ब्रोमीन थोड़ी ला के देगा उठा के, जो है वही देगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन देगा, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये भी आपको क्लोरीन ही देगा भाई, और ये भी आपको क्लोरीन ही देगा, ये तो अपन को समझ में आ गया। उसके बाद में आगे देखते हैं, आपको ये भी बात बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि कभी भी अगर PCl3 आता है तो आंखें बंद करके वहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट तो लिख ही दो जिसका नाम होता है H3PO3। H3PO3 तो फॉर्म होने ही वाला है, चाहे दुनिया इधर हो जाए या इधर हो जाए, आप हिल जाओ मैं हिल जाऊँ, लेकिन ये वाला बाय प्रोडक्ट तो बन के ही रहेगा, समझे या नहीं समझे। तो ये वाला बाय प्रोडक्ट सबसे पहले बना देना। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, क्या कर लेंगे, देखो ये वाली चीज़ को पकड़ो यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से Cl को पकड़ो। तो इसको एज इट इज़ देख के लिखो CH3CH2। अब आप ही बताओ भाई क्या लगाएंगे इससे, क्लोरीन ही लगाएंगे ना, क्योंकि जाहिर सी बात है PCl3 में होता क्या है, Cl होता है, क्लोरीन होता है, तो देगा भी Cl ही, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, Cl लगाया। अब नीचे आ जाओ, नीचे में भी ये वाली चीज़ को पकड़ लो CH3CH2। अब यहाँ पे भी PCl3 है, क्या देगा, क्लोरीन, तो लगा दो भाई क्लोरीन। तो ये हुई आपकी PCl3 वाली रिएक्शन। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं PCl5 वाले रिएक्शन को। मैं आपको जनरल रिएक्शन नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो पेपर में आएंगी नहीं, तो इन दोनों में से ही कोई भी एक रिएक्शन आएंगी। ना तो 4 कार्बन वाला अल्कोहल आएगा, ना तो 1 कार्बन वाला अल्कोहल आएगा। पेपर में आएगा तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल या तो 3 कार्बन वाला। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये मैंने लास्ट 15 ईयर्स के पेपर्स का पूरा एनालिसिस किया है, उसके बाद बता रही हूँ भाई, समझ गए ना, हवा में नहीं बता रही हूँ। अब अपन लोग डिस्कस करते हैं PCl5 को। चलिए डिस्कस करते हैं PCl5 को। फिर से लेंगे CH3CH2OH, दोनों में डालेंगे PCl5। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सोचने की बात है भाई, इसका नाम ही है PCl5। क्या PCl5, इसका मतलब इसमें आपको दिख क्या रहा है, क्लोरीन दिख रहा है। अगर आपको इसके अंदर में क्लोरीन दिख रहा है तो ये देने भी क्या वाला है, जो है वही देगा, मतलब क्लोरीन ही तो देगा ना। तो जाहिर सी बात है भाई, ये भी आपको देगा क्लोरीन, ये भी आपको देगा क्लोरीन। बट आपको ये भी याद रखना है कि हमेशा PCl5 वाले रिएक्शन में 2 बाय प्रोडक्ट तो फिक्स होते हैं, वो आंखें बंद करके बना लो आप लोग। पहला होता है HCl, सेकेंड होता है POCl3। ये 2 बाय प्रोडक्ट तो बनने ही हैं, इसको आप लोग चेंज कर ही नहीं सकते। यहाँ पे भी वही वाली 2 बाय प्रोडक्ट बनेंगे HCl + POCl3। ये चीज़ दिमाग में अपने बढ़िया तरीके से फिट कर लेना कि ये 2 बाय प्रोडक्ट तो बनने ही हैं। चलो आगे देखते हैं, फिर करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ लेने का, ठीक है, यहाँ पे लिख देने का CH3
सी एच टू। अब आप ही बताओ भाई, पी सी एल फाइव में है क्या? क्लोरीन ही है, इसका मतलब तो ये क्लोरीन ही देगा ना, समझे या नहीं समझे। नीचे आओ नीचे, यहाँ पे भी आप इसको पकड़ लेंगे, इसको वहाँ पे लिखने का सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू। क्या है पी सी एल फाइव में? क्लोरीन है, क्लोरीन तो क्या देगा? क्लोरीन ही देगा, लगा देने का क्लोरीन, काम खत्म। तो ये हुई आपकी पी सी एल फाइव वाली रिएक्शन। अब अपन डिस्कस करते हैं एस ओ सी एल टू वाली रिएक्शन को। चलो देखना, यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग लेंगे सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, नीचे में लेंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच, दोनों में डालेंगे एस ओ सी एल टू, एस ओ सी एल टू दोनों में डालने वाले हैं। अब आपको ये भी बात दिमाग में फिट कर लेना है कि यूजिंग एस ओ सी एल टू वाली मेथड को बोला जाता है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। कभी कभी आपको पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि बताओ गिव द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, तो याद रखना बेस्ट मेथड कौन सी होती है? एस ओ सी एल टू। वहाँ पर दिया नहीं जाएगा कि बेटा एस ओ सी एल टू का यूज़ करके बनाना, वहाँ पर आपको दिया जाएगा गिव द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। तो आपको दिमाग में उसी वक्त क्लिक हो जाना चाहिए कि बेस्ट मेथड मतलब ही एस ओ सी एल टू है। तो बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, चलो डिस्कस करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, एक ही चीज़ करना है भाई। आपको जब भी एस ओ सी एल टू दिख जाए हमेशा दो बाय प्रोडक्ट तो पहले ही बना लेना, एस ओ सी एल टू ये भी एक गैस है और एच सी एल ये भी एक गैस है, ये दो बाय प्रोडक्ट तो फिक्स है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप हिल जाओ मैं हिल जाऊँ, बट ये बाय प्रोडक्ट तो चेंज होंगे नहीं। उसके बाद में देखो क्या करने का है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नाम ही है एस ओ सी एल टू, सी एल आ रहा है सी एल, मतलब ये देगा भी क्या? सी एल ही देगा ना, जो होता है वही देगा ऑफ कोर्स भाई। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सी एल दिख रहा है, तो ये भी सी एल ही देगा और ये भी तो आपको सी एल ही देगा, करना कुछ भी नहीं है। इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, लिख देते हैं इसको सी एच थ्री सी एच टू, यहाँ पे क्या दिख रहा है? सी एल, तो लगा देने का सी एल, काम खत्म। नीचे लिखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, क्या दिख रहा है? सी एल, लगा दो सी एल। तो इस तरीके से आपने देख लिए कि ये सारे मेथड्स में से अल्कोहल से आप अल्किल हैलाइड को बना सकते हो। पेपर में इसमें से कोई भी एक मेथड आएगा, मतलब आएगा ही, ऐसा मैं बोलती हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ बेस्ड के ऊपर में एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन जो होता है वो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ पे फिक्स होता है, और वो क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता। आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो चलो डिस्कस करते हैं ऐसा वो कौन सा क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा तो आएगा, अदरवाइज उसको छोड़ के और कुछ नहीं आएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कम्प्लीटली बेस्ड है भाई मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के ऊपर में। चलिए डिस्कस करते हैं उसको। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और सेकंड क्वेश्चन ये है। अब जरा इधर देखो, ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपाउंड मैंने लिया है प्रोपीन, यहाँ पे भी वही कंपाउंड है प्रोपीन, यहाँ पे भी HBr है, यहाँ पे भी HBr है, बट आपने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन तो सेम है, दोनों के दोनों रिएक्टेंट भी सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने परोक्साइड को लिया है। परोक्साइड मतलब ही H2O2 होता है, और ऊपर वाले रिएक्शन में मैंने परोक्साइड को नहीं लिया है, ठीक है? चलो डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा याद रखना कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ HBr दिखता है तो वहाँ पे आप लोग हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल का ही यूज़ करेंगे, याद रखना। ये आपको कोई भी बताएगा नहीं कि बेटा ऐसे रिएक्शन में आपको मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद में प्रोडक्ट बनाना, ऐसा आपको कोई नहीं बताने वाला। ये आपको खुद के दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि कभी भी अगर मुझे HBr दिखा, सिर्फ HBr, तो हमेशा मुझे वहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करने का है। तो यहाँ पर आपको हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल का ही यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ HBr ही है। बट अगर आपको HBr के साथ में परोक्साइड भी दिखता है, परोक्साइड का मतलब ही H2O2 भी दिखता है, तो हमेशा याद रखना कि वहाँ पे आपको एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल का यूज़ करना है।
तो ऐसे दो चीज़ दिमाग में फिट कर लो कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ HBR दिखता है तो मार्कोनिकोफ रूल, और अगर HBR के साथ में परोक्साइड भी दिखता है, H2O2 भी दिखता है, तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अब जब आप पेपर में जाएंगे तो यही क्वेश्चन आएगा, इसमें ब्यूटेन वाला क्वेश्चन नहीं आता है, इथिन वाला क्वेश्चन भी नहीं आता, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो प्रोपेन वाला जाएगा। चलो उसका रीज़न मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वन शॉट वीडियो चल रहा है ना। चलो आगे देखते हैं। रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे कोई रूल को यूज़ करना है, और जब कोई रिएक्शन में रूल आता है तो बेसिकली वो रिएक्शन कहीं ना कहीं अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद सेकंड थिंग ये है कि आपको अगर HBR दिखा तो वहाँ पे पगला मत जाना कि भाई HBR आ गया, मुझे ये रिएक्शन करते आती है, ऐसा मत करना। पहले देख लेना कि सच में वहाँ पे परोक्साइड है या नहीं है। पता चला आप HBR की खुशी मना रहे थे और आपने परोक्साइड को देखा भी नहीं, और वहाँ पे लिखा हुआ था और आपने देखा ही नहीं, और आपने कुछ भलदा ही रूल अप्लाई करके कुछ तो भी गलती सॉल्व कर दिया और बोलने लग गए ये मेरा हो गया क्वेश्चन हो गया। वैसा नहीं करने का, एक बार चेक कर लेना कि भाई HBR अकेला है या HBR के साथ में परोक्साइड भी आया है। चलो डिस्कस करते हैं मार्कोनिकोफ रूल को और एंटी मार्कोनिकोफ रूल को। ये रूल मैं ऑलरेडी आपको डिटेल वाले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी आप लोग वन शॉट वीडियो को देख रहे हो, और आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जो पहली बार इसको देख रहे हैं, तो उनको भी अपन को बताना पड़ेगा ना, इसलिए अपन दोनों को डिस्कस कर लेते एक बार में। लेकिन सारे के सारे लाइक ज़रूर करना भाई। चलो मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिकोफ रूल दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले अपन एंटी मार्कोनिकोफ रूल को लिखते हैं। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो। सबसे पहले आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखेंगे, यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो क्या करना है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करो, और जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर ब्रोमीन ऐड करो। ये रूल कहता है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे ब्रोमीन को ऐड करो। ये वाला रूल एंटी मार्कोनिकोफ है। अब इसका ही अपोजिट ये है, तो आप दोनों में से एंटी मार्कोनिकोफ को याद कर लो, एंटी मार्कोनिकोफ का उल्टा मार्कोनिकोफ होता है। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, उसके बाद में इसका अपोजिट कर देना, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है इसका उल्टा कर देना, जिस कार्बन पे कम के जगह पे ज़्यादा ही कर देना, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करो, और जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे ब्रोमीन ऐड करो। समझ गए ना, तो ऐसा ये रूल है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो, और जहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे ब्रोमीन को ऐड करो। तो ये दोनों रूल मैंने लिख दिए, आप ये दोनों में से एंटी मार्कोनिकोफ को याद कर लेना क्योंकि वो आसान है। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे ब्रोमीन को ऐड करो, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखना, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई कि सबसे पहले आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखेंगे, यहाँ पे भी आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ही देखने का है, दूसरे वाले कार्बन पे आपकी तो नज़र भी नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ HBR है इसलिए यहाँ पे आप मार्कोनिकोफ रूल का यूज़ करेंगे, यहाँ पे HBR के साथ में परोक्साइड भी है इसलिए यहाँ पे आप एंटी मार्कोनिकोफ रूल का यूज़ करेंगे। चलो आगे देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, समझ गए ना, एक और दो में से दो नंबर ज़्यादा होता है और एक नंबर कम होता है, मतलब वन नंबर कम होता है और टू नंबर ज़्यादा होता है। फिर आपको क्या करने का है, मार्कोनिकोफ रूल को अप्लाई करना है। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे आपको हाइड्रोजन को ऐड करना है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे आपको हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो ये दोनों कार्बन में से हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप किसको ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे।
जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। और जाहिर सी बात है भाई, अगर हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप ही बताओ ब्रोमीन को कहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाजू वाले पे ब्रोमीन को ऐड करेंगे, समझ है? चलो बना लेंगे प्रोडक्ट को, CH3CH2, ठीक है। यहाँ पे आपने किसको ऐड किया? हाइड्रोजन को। यहाँ पे आपने किसको ऐड किया? ब्रोमीन को। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, समझ गए ना? ऐसा ये हुआ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। अब अपन लोग डिस्कस करते हैं नीचे वाले को। नीचे में HBr के साथ में परोक्साइड भी आया, मतलब आपको जो रूल यूज़ करना है वो एंटी मार्कोनिकोफ रूल है। सबसे पहले आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, दोनों में से टू नंबर बड़ा है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे है? कम है, क्योंकि टू नंबर ज़्यादा होता है, वन नंबर कम होता है। और आपको रूल कौन सा यूज़ करना है? एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है? सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, कम, वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करो। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, कम, वहाँ पे आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, और बाजू वाले कार्बन पे किसको ऐड करेंगे? ब्रोमीन को ऐड करेंगे, समझ गए? चलो डिस्कस करते हैं। CH3CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कम था इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा था इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रोमीन को ऐड किया। तो कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों रूल को अप्लाई करना है और ये दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, लेकिन ज़रा देखो कि अगर परोक्साइड नहीं डाला तो प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट बनता है, और अगर परोक्साइड डाला तो प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट बनता है। तो ऐसे आपको याद रखने का है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये जो है इसमें टोटल दो रिएक्शन आती है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली जो रिएक्शन होती है उसका नाम होता है फिंकेलस्टेन रिएक्शन। दिखने में तो ये बड़े ही छोटे से रिएक्शन है, बट पता नहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, समझ गए ना? उसके बाद में जो सेकेंड वाला है भाई, वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही है। एनी वन इन एग्जाम ऑलवेज, हमेशा पेपर में यहाँ से एक रिएक्शन तो भाई आना ही है, फिंकेलस्टेन रिएक्शन या तो स्वार्ट्ज रिएक्शन, समझे या नहीं समझे। चलो डिस्कस करते हैं, करना कुछ भी नहीं है। दोनों ही रिएक्शन में आपको क्या लेने का है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप लेंगे दोनों ही रिएक्शन में RCl को, RCl मतलब ही अल्किल क्लोराइड को आप लोग लेंगे। दोनों ही रिएक्शन में वही वाली चीज़ लेने की है, ठीक है। अब आपको देखो क्या करना है, इसके अंदर में आप लोग यहाँ पर डालेंगे NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। जाहिर सी बात है भाई, आपके दिमाग में एक चीज तो क्लिक ही हो गई होंगी कि नाम ही है हैलोजन एक्सचेंज, मतलब होने भी क्या वाला है, हैलोजन का एक्सचेंज। क्योंकि जैसे नाम होते हैं वैसे ही काम होते हैं। अब नाम ही है हैलोजन एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज भी किसका होने वाला है, हैलोजन का होने वाला है। सेकेंड थिंग यहाँ पे यह है कि इसका नाम है फिंकेलस्टेन रिएक्शन। इसका मतलब आपको देखो क्या याद रखना है, फिंकेलस्टेन के स्पेलिंग में ही आता है आई, तो इससे आपको याद रखना है कि फिंकेलस्टेन रिएक्शन में हमेशा अल्किल आयोडाइड बनता है। ये चीज़ दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लो, फिंकेलस्टेन के स्पेलिंग में आई आता है, आई मतलब ही आप समझ लो आयोडीन, तो फिंकेलस्टेन रिएक्शन में हमेशा अल्किल आयोडाइड बनता है। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लो। अगर आपको ये समझ गया कि फिंकेलस्टेन के स्पेलिंग में आई आता है, आई का मतलब आयोडाइड होता है, इसका मतलब इसमें अल्किल आयोडाइड बनने वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग इसके अंदर में भी NaI को लेने वाले हो। क्योंकि भाई आयोडीन तो वही देगा ना जिसके पास आयोडीन होगा, जिसके पास आयोडीन ही नहीं होगा वो आपको आयोडीन कहाँ से ला के देगा। अब इस रिएक्शन के अंदर में आई है, आपको आई मिल रहा है, आपको आयोडाइड मिल रहा है, अल्किल आयोडाइड बन रहा है, मतलब ही आप लोग इसके अंदर में किसको लेंगे, NaI को, क्योंकि उसमें ही तो आयोडीन है ना। और NaI को आप लेंगे एसीटोन के प्रेजेंस में। सेकंड रिएक्शन ये ले लेते CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ NaI, जो जो आने के पॉसिबिलिटी वो मैं ले रही हूँ। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे होने वाला एक ही चीज़ है,
क्या होगा ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट NaCl को बाहर कर देंगे, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट NaCl को कर देंगे घर के बाहर। ये चीज़ दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कर लेने की है फिट, कर दिया भाई मैंने दोनों तरफ NaCl को बाहर। उसके बाद में देखो क्या होगा, जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। आपने जोड़ दिया, चिपका लिया, प्रोडक्ट को बना लिया। यहाँ पे भी जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन हो गई। आई होप सभी को क्लियर हो गया कि फिंकलस्टेन में बेसिकली हो क्या रहा है, अल्किल आयोडाइड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी अल्किल के साथ में आयोडाइड आया, यहाँ पे भी अल्किल के साथ में आयोडाइड आया, क्योंकि फिंकलस्टेन के स्पेलिंग में आया आता है। फिर नेक्स्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपको करने का क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप लोग अल्किल क्लोराइड तो लेंगे RCl, इसके बाद में इसके अंदर में आप लोग डालेंगे AgF को। अब नाम ही है AgF, इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर में आपको फ्लोरीन दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर अगर आपको फ्लोरीन दिख रहा है तो वो देगा भी क्या, फ्लोरीन देगा तो बनेगा भी क्या, अल्किल फ्लोराइड ही तो बनेगा ना भाई। ठीक है, नीचे भी एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ AgF, चलो डिस्कस करते हैं, करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट AgCl को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट AgCl को कर देंगे घर के बाहर। अब AgCl तो भाई दोनों केसेस में घर के बाहर चले गया, जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। बस यही काम करना है, जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। चलो भाई देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है R, यहाँ पे दिख रहा है F, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे दिख रहा है CH3 CH2 और F, इस तरीके से यहाँ पे अल्किल फ्लोराइड बनता है। तो फिंकलस्टेन रिएक्शन में याद रखना अल्किल आयोडाइड बनता है। एक बार MCQ में भी ये आया कि अल्किल फ्लोराइड कौन से रिएक्शन में बनता है, फिंकलस्टेन, स्वार्ट्ज और बहुत सारे नाम थे। तो याद रखना अल्किल आयोडाइड फिंकलस्टेन में बनता है और अल्किल फ्लोराइड स्वार्ट्ज में बनता है। ये दोनों रिएक्शन में से पेपर में एक रिएक्शन तो आएंगी चाहेंगी। लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब देखो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 220 पे जो येलो कलर का टेबल दिया है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं दिखा देती हूँ, पेज नंबर 220 पे जो येलो कलर का टेबल है अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं, समझ गए ना। ये टेबल में से सारा का सारा टेबल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से सिर्फ मुश्किल से 5 ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 5 या 6 रिएक्शन। इसके अंदर में टोटल 7-8 रिएक्शन दे रखी है, बट उस 8 रिएक्शन में से सारे 8 रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मुश्किल से उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो वही 5 या 6 रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वो 5-6 रिएक्शंस को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने के चांसेस भी है। चलिए डिस्कस करते हैं, लेकिन ज़रा सुनो, उसमें वहाँ पे जनरल रिएक्शन दे रखी है RX के टर्म्स में, बट RX के टर्म्स में अगर आप उस येलो टेबल में देखते हो तो RX के टर्म्स में पेपर में रिएक्शन नहीं आएंगी। पेपर में तो अल्किल हैलाइड लिख के आएगा, मतलब मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल आयोडाइड, इथिल क्लोराइड, इथिल हैलाइड, ऐसा दिया रहेगा पेपर में, ऐसे RX के फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको RX में पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट वैसा पढ़ाऊँगी जहाँ से पेपर में आने के चांसेस है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने साल भर पढ़ाई नहीं भी की है तो भी कोई टेंशन नहीं ना, चल मारने का, मैं हूँ ना साथ में तो टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन ये वीडियो ध्यान से देखने का, और नोट्स आई होप सभी लोग बना रहे हो, ब्लैंकली वीडियो को मत देखना, अदरवाइज ऑर्गेनिक वोलेटाइल दिमाग के ऊपर से निकलेगा, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड को। चलिए डिस्कस करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं ले लो CH3Br ले लो, या CH3Cl भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया वही आएगा, कुछ भी आ सकता है, इसके जगह पे इथिल भी आ सकता है, समझ गए ना। इसके अंदर में सबसे पहले रिएक्शन जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है NaOH वाली रिएक्शन, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि NaOH में क्या होगा। यहाँ पे ले लेंगे CH3, CH2, Br, इसके अंदर भी NaOH को डाल के देखेंगे कि क्या होता है,
ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन अपन लोग लेंगे वो देखो क्या है, उसके बाद में हम लोग एन ए ओ आर वाले रिएक्शन को ले लेंगे, सी एच थ्री बी आर इन प्रेजेंस ऑफ एन ए ओ आर, इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एन ए ओ आर में ले लो आप सी एच थ्री लो ना डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद में ले लो सी एच थ्री सी एच टू बी आर, इसके अंदर में डालेंगे एन ए ओ सी एच टू सी एच थ्री। उसके बाद में जो तीसरे रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है सी एच थ्री सी एल इन प्रेजेंस ऑफ के सी एन, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे सी एच थ्री सी एल इन प्रेजेंस ऑफ ए जी सी एन, उसके बाद में डिस्कस करेंगे सी एच थ्री सी एल इन प्रेजेंस ऑफ के ओ एन ओ, उसके बाद में डिस्कस करेंगे सी एच थ्री सी एल इन प्रेजेंस ऑफ ए जी ओ एन ओ। मेरे ख्याल से तो बस इतना ही रिएक्शन पढ़ना है और यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में ऐसा आएगा। आप लोगों को ये रिएक्शन पेपर में इसलिए करते नहीं आती क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हो ना वो आर एक्स के टर्म्स में पढ़ते हो और पेपर में आर एक्स के टर्म्स में रिएक्शन थोड़ी आती है, पेपर में तो ये ऐसे अलग ही लिख के आते हैं यहाँ पे, तो फिर आपको रिएक्शन करते नहीं आते। लेकिन अब आएंगे करते क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली वैसे ही पढ़ाया जैसा पेपर में पूछते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं ये सारे के सारे रिएक्शंस को कि बेसिकली ये रिएक्शन होती कैसे क्या है। ज़रा ध्यान से देखना, करना कुछ भी नहीं है, बस आपको एक ही काम करना है सभी जगह पर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एन ए हेक्स को, मतलब ही एन ए बी आर को एन ए सी एल को एन ए आई को फॉर्म आप बाहर निकाल देंगे। हर जगह पे आपको एक ही काम करने का है और वो काम देखो क्या करने का है। कभी भी आपको दिखता है एन ए या आपको दिखता है के या आपको दिखता है ए जी या आपको दिखता है एल आई, इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपको दिखती है तो हमेशा याद रखना कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमेशा प्रोडक्ट बनाती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये लव करती है हैलोजन्स को, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हमेशा ये चीज़ दिमाग में फिट कर लो। इसलिए सबसे पहले इनका सॉल्ट इनके साथ बना के बाहर निकाल देना, मतलब सबसे पहले यहाँ से निकलेगा एन ए यहाँ से निकलेगा बी आर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एन ए बी आर को फॉर्म बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर भी वैसा ही करो, यहाँ पे है एन ए यहाँ पे है बी आर, सबसे पहले यहाँ पे एन ए बी आर को आपने बाहर कर दिया। अगर यहाँ पे सी एल भी होता था तो भी आप वही काम करते थे, कुछ नया नहीं करते थे, वही काम करते थे। अगर यहाँ पे आयोडीन होता था तब भी आप वही काम करते थे। अब देखो क्या करेंगे, जो भी चीज़ बच जाएंगी उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी एच थ्री, यहाँ पे दिख रहा है ओ एच, यहाँ पे दिख रहा है सी एच थ्री सी एच टू और यहाँ पे दिख रहा है ओ एच, तो इस तरीके से आपने किया। चलो मूव करते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ। यहाँ पे भी आपको कुछ नया काम नहीं करना है, जो मैंने बताया ना वही वाला काम करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एन ए यहाँ पे आपको दिख रहा है बी आर, तो सबसे पहले आपने छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एन ए बी आर को बाहर निकाल दिया। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे आपको सी एल लेके भी दिखा देती हूँ। तो सी एल में भी वही काम होगा, कुछ नया नहीं होगा। यहाँ पे है एन ए यहाँ पे है सी एल, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एन ए सी एल या एन ए बी आर को बाहर कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ बच जाएंगी उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। चलो यहाँ पे आपको देखो क्या क्या दिख रहा है, सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, ये बना आपका इथर, ये बना आपका अल्कोहल। नीचे आओ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री, बन गया ये वाला प्रोडक्ट, तो ये वाला प्रोडक्ट आपने बना दिया। समझ गए ना, रिएक्शन देखो कितनी आसान है, लेकिन उनके लिए जिनको ये चीज़ पता है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो आपको क्या करने का है, यहाँ पे आपको दिख रहा है के यहाँ पे आपको दिख रहा है सी एल। हमेशा याद रखना इनमें से कोई भी चीज़ आ जाए तो वो हैलोजन को बहुत ज़्यादा लव करती है, तो यहाँ से निकलेगा के यहाँ से निकलेगा सी एल और फॉर्म होगा के सी एल, यहाँ से निकलेगा ए जी यहाँ से निकलेगा सी एल और फॉर्म होगा ए जी सी एल। इस तरीके से आपने छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं करना क्या है, जो भी चीज़ बच जाएंगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो यहाँ पे बचा है ये दोनों, यहाँ पे बचा है ये दोनों, इनको जोड़ के प्रोडक्ट बना लेंगे। बट बिफोर दैट आपको ये भी याद रखना है कि जो सिल्वर होता है, जो भी सिल्वर होता है, जो भी ए जी होता है, वो हमेशा बॉन्ड जो बनाता है, बॉन्ड फॉर्म थ्रू नाइट्रोजन, याद रखना
एजी हमेशा नाइट्रोजन के थ्रू ही बॉन्ड बनाता है, हमेशा आपको याद रखना है। चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे था के, यहाँ पे था सीएल, केसीएल को आपने यहाँ से बाहर कर दिया। यहाँ पे था एजी, यहाँ पे था सीएल, एजी सीएल को भी आपने यहाँ से बाहर कर दिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सी एच थ्री, यहाँ पे आपको दिख रहा है सी एन, बन गया प्रोडक्ट। नीचे आओ, नीचे नीचे देखो आपको क्या करना है। ध्यान देना ध्यान, इसी सी एन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी सी एन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये दोनों सेम ही हैं। इसी सी एन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। बट अगर मैं नीचे की बात करती हूँ, तो नीचे आपने ए जी सी एल को तो बाहर किया, लेकिन याद रखना यहाँ पे सी एच थ्री है, यहाँ पे सी एन है। और मैंने आपको क्या बताया कि ए जी जो होता है वो हमेशा बॉन्ड को फॉर्म करता है नाइट्रोजन एटम के थ्रू। इसका मतलब अब यहाँ पे बॉन्ड देखो क्या बनेगा, सी एच थ्री, सी एन नहीं आएगा, यहाँ पे एन सी आएगा। मतलब मैंने यहाँ पे सी एन को नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने सी एन के उल्टे एन सी को लगाया। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि जो एक सेकेंड, रीज़न ये है क्योंकि जब भी आपको ए जी आता है तो ए जी में आप लोग हमेशा बॉन्ड बनाते हो थ्रू नाइट्रोजन एटम। तो जब भी आपको सिल्वर दिखेगा, आप लोग हमेशा बॉन्ड बनाएंगे नाइट्रोजन एटम के थ्रू, इसीलिए मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के थ्रू बॉन्ड बनाया है। तो दोनों ही केसेस में सी एन है, मैं बार बार इसलिए बता रही क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दोनों ही केसेस में सी एन तो है, लेकिन फर्स्ट केस में के सी एन था इसलिए अपन ने डायरेक्टली सी एन बनाया, और सेकेंड केस में ए जी सी एन है। जब भी ए जी आता है तो आप हमेशा बॉन्ड बनाते हो नाइट्रोजन एटम के थ्रू, इसलिए एन सी लगाया मैंने, एन के थ्रू बॉन्ड बनाया। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ है, करना कुछ भी नहीं, बस एक ही चीज़ करने का है। यहाँ से निकलेगा के, यहाँ से निकलेगा के सी एल के फॉर्म में, यहाँ पे है ए जी, यहाँ पे है सी एल, यहाँ से सबसे पहले छोटा मोटा बाय प्रोडक्ट ए जी सी एल निकलेगा। फिर आपको क्या करने का है, जो भी चीज़ बच जाएगी उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। यहाँ पे दिख रहा है सी एच थ्री, यहाँ पे दिख रहा है ओ एन ओ, लेकिन याद रखना यहाँ पे ए जी है ए जी। और जब भी सिल्वर आता है तो हमेशा आप लोग कार्बन की बॉन्डिंग किसके थ्रू बनाते हैं, नाइट्रोजन के थ्रू। तो अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सी एच थ्री और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे एन ओ टू। देख लेना ज़रा ध्यान से, ओ एन ओ और एन ओ टू सेम ही चीज़ है, लेकिन जब भी ए जी आता है तो हमेशा आप जो बॉन्ड बनाते हो वो नाइट्रोजन के थ्रू बनाते हो। तो ये हुए आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केलाइड। यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एस एन वन मैकेनिज्म को। पहले एस एन टू को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में एस एन वन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एस एन टू रिएक्शन को एक और नाम से पेपर में पूछा जाता है, जिसका नाम होता है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी, एक सेकेंड, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड और ब्रोमोमिथिन, ऐसे नाम से ये आता है। तो ये आपको याद रखना है कि एस एन टू मैकेनिज्म जो है, जिसको अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं, पहले एस एन टू को डिस्कस करेंगे, बाद में एस एन वन को डिस्कस करेंगे। तो एस एन टू रिएक्शन को एक और नाम से पूछा जाता है, जिसका नाम होता है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड और ब्रोमोमिथिन। चलो डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये एस एन वन मैकेनिज्म होता क्या है। चलो सबसे एस एन टू मैकेनिज्म, सबसे पहले आप लोग देखो क्या क्या लेने वाले हो। आप लोग यहाँ पे जो लेंगे वो रहेगा आपका मिथिल, मिथिल को आप लोग लेने वाले हो, मतलब ही आप लोग लेंगे सी एच थ्री जो कि है मिथिल, और ये लेंगे आप लोग बी आर। इसके अंदर में आप लोग डालेंगे ओ एच माइनस आयन को। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे एक ही काम करना है। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको मिथिल ब्रोमाइड को लेना है। मैंने मिथिल ब्रोमाइड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस जो आप करवाते हो वो मिथिल ब्रोमाइड का करवाते हो, इसलिए मैंने मिथिल ब्रोमाइड को लिया। अल्केलाइन है मतलब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाने वाले हो, करके मैंने ओ एच माइनस आयन को लिया, और इसी को एस एन टू भी बोलते हैं। चलो अब देखो क्या होगा, ये वाला ओ एच माइनस आयन जो है वो इधर जाएगा और ये वाले बी आर को वो रिप्लेस करेगा। अभी मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ, मैकेनिज्म नहीं, पहले रिएक्शन देखते फिर मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सी एच थ्री, तो ये सी एच थ्री को एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ से ये बी आर बाहर गया और बी आर के जगह पे कौन आया, बी आर के जगह पे आया ओ एच माइनस आयन।
तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनता है। और ये हुई SN2 रिएक्शन की, मतलब ही अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड वाले रिएक्शन की, मतलब ही आपका अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड और अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन, उसमें ये रिएक्शन हो रही है। तो मैंने मिथिल ब्रोमाइड को लिया, इसमें OH- आयन को डाला, Br यहां से बाहर गया और Br के जगह पे OH- आयन आ गया। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे इसका नाम ही है SN2 रिएक्शन। इसका मतलब जो ये रिएक्शन है इसमें जो रेट है वो दो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। दो कंसंट्रेशन के ऊपर, इसलिए क्योंकि नाम के अंदर में ही आ रहा है SN2। इसका मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो दो कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी रेट है वो दो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के। हमेशा रेट जो होता है, ये मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में बताया था कि वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेट जो है वो डिपेंड करेगा मिथिल ब्रोमाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, और OH- आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है गाइस कि इसका नाम ही है SN2 रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन होती है ये सेकेंड ऑर्डर की होती है। ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखने की है। चलो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। SN2 मैकेनिज्म में मिथिल ब्रोमाइड को लेंगे, OH- आयन को डालेंगे, OH- आयन ब्रोमीन की जगह पे आ जाएगा। रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रीज़न ये है क्योंकि नाम में ही आ रहा है टू, इसलिए दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जाहिर सी बात है दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर भी कैसा रहेगा, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म को कि SN2 रिएक्शन में मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है। तो ज़रा ध्यान से देखना कि SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे पहले आप लोग लेंगे CH3Br को। देखो आपको CH3Br को कैसे क्या लेने का है। ये है CH3Br। इस CH3Br के अंदर में, वैसे अपन को ये बहुत छोटे में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये मैकेनिज्म यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। तो मैकेनिज्म को लाने के लिए कम से कम ये रिएक्शन को बहुत छोटे में लिखना पड़ेगा। तो चलो छोटे छोटे लिखते हैं। इसमें डालेंगे OH- आयन को। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ये जो Br है ये ऑलरेडी इस साइड से प्रेजेंट है, तो OH- आयन जो है वो बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड अटैक होता है। याद रखना OH- आयन हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि सामने साइड से ऑलरेडी Br प्रेजेंट है, तो सामने साइड से तो अटैक पॉसिबल नहीं है ना। तो अब ये जो OH- आयन है ये बैक साइड से अटैक करेगा। तो ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है एक हाइड्रोजन सेकेंड वाला, ये है आपका थर्ड हाइड्रोजन। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो Br है वो भी प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे जो OH है जो पीछे के रास्ते से आया वो भी प्रेजेंट रहेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इसके केस में आपको क्या दिख रहा है, इसके केस में आपको ये दिख रहा है कि सामने से Br था तो OH- आयन ने बैक साइड से अटैक किया, तो OH- आयन बैक साइड से आ गया। अब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना है, जो इंटरमीडिएट बना है या जो ट्रांजिशन स्टेट बना है, इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम होता है पेंटा कोऑर्डिनेटेड। इसको बोला जाता है पेंटा कोऑर्डिनेटेड। पेंटा कोऑर्डिनेटेड इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 ग्रुप कार्बन से अटैच है, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए इसको बोला जाता है पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। याद रखना इस इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है या इस ट्रांजिशन स्टेट का नाम क्या होता है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। फिर लास्ट में क्या होगा, ये जो Br है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे ये रहेगा कार्बन, ये वाला रहेगा आपका OH ग्रुप क्योंकि OH ग्रुप यहाँ पे आया। उसके बाद में अब देखो क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज़ रहेगा। अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है, होगा कुछ भी नहीं, बस आपको इस चीज़ को उल्टा कर देने का है। इस चीज़ का आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो देखो आपने क्या किया, पहले मिथिल ब्रोमाइड को लिया, इसमें OH- आयन को डाला,
OH माइनस आयन ने बैक साइड से जाके अटैक किया, तो एक साइड में आया OH, एक साइड में आया Br, दोनों ही अटैच रहते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट को बोला जाता है पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद में यहाँ से Br निकल जाता है और OH यहाँ पे लग जाता है, तो अल्टीमेटली Br के जगह पे OH आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे डैश था ना, यहाँ पे देखो डैश डैश था, तो यहाँ पे ये वाला आ गया और जहाँ पे ये वाला था वहाँ पे डैश डैश आ गया, मतलब चेंज हो गया। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब ही कॉन्फ़िगरेशन का उल्टा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जहाँ पे डैश था वहाँ पे वेज आ गया, जहाँ पे वेज था वहाँ पे डैश आ गया। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट का नाम भी आपको याद रखना है। OH माइनस आयन को आप न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हुआ SN2, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं SN1 मैकेनिज्म को। चलिए देखते हैं कि बेसिकली ये SN1 मैकेनिज्म क्या होता है। चलिए देखते हैं, SN1 मैकेनिज्म जिसको बोला जाता है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसको इस नाम से भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, कभी कभी SN1 के नाम से पूछा जाता है। तो चलो डिस्कस करते हैं अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को, या तो आप बोल सकते हो SN1 रिएक्शन को। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन लोग देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है उसको। चलो देखते हैं कि रिएक्शन में आप लेने वाले हो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को, इसको बोला जाता है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसके अंदर में आप डालने वाले हो OH माइनस आयन को, यहाँ पे भी काम वही होगा, कुछ नया नहीं होने वाला है, वही चीज़ होंगी कि OH माइनस आयन जो है वो Br के जगह पे जाएगा और Br जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये है आपका कार्बन, ये है CH3, ये भी है CH3, ये भी है CH3, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं Br बाहर गया और Br के जगह पे आया OH, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो ये नॉर्मल से रिएक्शन है, अभी फिलहाल मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया, मैकेनिज्म बाद में, बट पहले रिएक्शन तो समझ लो। तो आपने टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को लिया, इसमें OH माइनस आयन को डाला, यहाँ से Br बाहर गया और Br के जगह पे OH माइनस आयन आ गया, तो बस ये वाला प्रोडक्ट आपका बन गया। अब देखो अपन लोग बात करते हैं रेट की, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इसका नाम ही है SN1 मैकेनिज्म, है ना। अब नाम ही है वन, मतलब ये जो रेट है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करेगा और दूसरे वाले के कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि नाम ही है वन, है ना। तो अब आपको याद रखना है कि ये जो रेट है ये सिर्फ और सिर्फ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर में ही डिपेंड करता है और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वन है इसलिए एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा कि यही वाली चीज़ ये है, यहाँ पे CH3 थ्री टाइम्स थे तो मैंने CH3 के नीचे में 3 लिखा, ये दोनों सेम ही है। उसके बाद में देखो आगे आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्यों फॉलो करती है, क्योंकि नाम ही है वन, इसका मतलब रिएक्शन में ऑर्डर भी कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर। अब जो मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म में टोटल 2 स्टेप्स आती है, पहली होती है स्टेप नंबर 1 और फिर होती है स्टेप नंबर 2। तो ऐसे 2 स्टेप्स अपन लोगों को मैकेनिज्म के अंदर में देखने का है। सबसे पहले आप रिएक्शन को एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है और फर्स्ट स्टेप को आप RDS मतलब ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हो। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब ऐसी स्टेप जो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करती है, एक ऐसी स्टेप जो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। देखो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में जो ये वाला बॉन्ड है ना ये ब्रेक होता है और देखो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे है कार्बन CH3 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 और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन, याद रखना इसको हम लोग कार्बोकटायन बोलते हैं। इसी कार्बोकटायन को आप एक और तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो, इसी कार्बोकटायन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, याद रखना ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। यहाँ पे भी कार्बन सेंटर पे, यहाँ पे भी कार्बन सेंटर पे, यहाँ पे भी 3 मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी 3 मिथिल ग्रुप है, मतलब दोनों ही केसेस में ऑलमोस्ट बॉन्डिंग जो है वो कैसी है, कम्प्लीटली सेम है।
यहाँ पे सिर्फ तीन मिथिल को मैंने ऐसा लिखा है, यहाँ पे तीन मिथिल को ऐसा लिखा है। याद रखना ये जो कार्बोकटाइन है इसको ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकटाइन भी बोला जाता है। रीज़न ये है क्योंकि देखो ये ट्राइंगल के फॉर्म में आपको दिख रहा है और सारे के सारे एटम प्लेन में, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकटाइन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो स्टेप होती है। सेकेंड स्टेप में जो भी चीज़ फर्स्ट स्टेप में बनी आप उसको पकड़ के लाएंगे, आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो जो भी चीज़ फर्स्ट स्टेप में बनी है आपने उसको एज इट इज़ लिखा, और उसके बाद में अब आप लोग इसके अंदर में क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर में ऐड करेंगे OH- आयन को और बना लेंगे आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो रहेगा CH3 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 OH। तो पहले यहाँ पे Br था और अब यहाँ पे Br के जगह पे क्या आ गया, अब यहाँ पे Br के जगह पे आ गया OH, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। और ये जो स्टेप होती है ये होती है आपकी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इस टाइप से अपन लोगों ने अभी डिस्कस किया SN1 मैकेनिज्म को, जिसको बोला जाता है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे के रिएक्शन को। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को, और इसी एलिमिनेशन रिएक्शन को आप लोग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो। तो याद रखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। चलिए अब इसका नाम ही है एलिमिनेशन, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से एलिमिनेट होने वाला है, इसलिए नाम है एलिमिनेशन। इसी के साथ साथ इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजन का मतलब होता है हैलोजन का। तो डी का मतलब आप लोग रिमूव करने वाले हो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को और हैलोजन का मतलब हैलोजन को, जिसमें कुछ भी आ सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली ब्रोमीन ही आता है। अब एक ही क्वेश्चन है, वही पेपर में आता है, जिसको अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। CH3 CH CH2 Br CH3, यही क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। इसमें डालने को बोला जाता है आपको, इसमें आपको अल्कोहलिक KOH डालने को बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अल्कोहलिक KOH डालने को बोला जाता है और इससे टोटल दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। तो याद रखना ये जो रिएक्शन है ये बार बार पेपर में इसलिए आती है क्योंकि ये रिएक्शन में दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, और वो दो टाइप के प्रोडक्ट उन्हीं को बनाते आएंगे जिनका यहाँ पे लॉजिक काम करेगा। जिनका लॉजिक काम नहीं करेगा वहाँ पे ये दो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होती है। चलिए देखते हैं आपको यहाँ पे करने का क्या है। ध्यान देना, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन का रिमूवल होने वाला है। याद रखना हाइड्रोजन और ब्रोमीन का आपको रिमूव करने का है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दो हाइड्रोजन और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रोमीन। जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच होता है, जिस कार्बन पे हैलोजन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग हमेशा अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो याद रखना जिस कार्बन पे आपका हैलोजन अटैच होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसके बाजू वाले कार्बन को अपन लोग बीटा कार्बन बोलते हैं, और ये वाला भी कार्बन कौन सा कार्बन हुआ, बीटा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो क्या हम ये दो हाइड्रोजन को ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हाँ भाई ये दो हाइड्रोजन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, तो क्या ये तीन हाइड्रोजन को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। मतलब दो हाइड्रोजन को आप 1-1 के टर्म्स में भी लिख सकते हो और तीन हाइड्रोजन को आप 2-1 के टर्म्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि वो चीज़ तो सेम ही है। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट केस में यहाँ से H और यहाँ से Br निकलेगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH2H। मैंने इस चीज़ को एज इट इज़ यहाँ पे देख के लिख दिया, कुछ भी चेंजेस मैंने नहीं किए, जैसा यहाँ पे मुझे ये दिख रहा था मैंने एज इट इज़ वहाँ पे डाल के ऐसा देख के लिख लिया। अब यहाँ से मैंने निकाला H, यहाँ से मैंने निकाला Br। हमेशा याद रखना हाइड्रोजन आप लोग बीटा कार्बन से ही निकालेंगे, ठीक है। हैलोजन हमेशा अल्फा से ही निकलना चाहिए। जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच होता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होता है उसको हम लोग बीटा बोलते हैं।
तो याद रखना हाइड्रोजन हमेशा बीटा से ही आपको रिमूव करना है। तो यहाँ से निकला एच, यहाँ से निकला बी आर, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब अपन लोग यहाँ पे आ जाते हैं, क्या होता है यहाँ पे एक यही प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट जो पॉसिबल होता है वो ये भी तो हो सकता है कि हैलोजन अल्फा कार्बन वाला और हाइड्रोजन बीटा कार्बन वाला, मतलब आप लेफ्ट साइड से भी एलिमिनेशन करवा सकते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। इसी का मतलब ये भी हुआ कि आप राइट साइड से भी एलिमिनेशन करवा सकते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि अगर आप लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन से एलिमिनेशन करवाते हो, लेफ्ट साइड वाले बीटा हाइड्रोजन से एलिमिनेशन करवाते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और अगर आप राइट साइड वाले हैलोजन से, राइट साइड वाले बीटा हाइड्रोजन से अगर रिमूवल करवाते हो, डीहाइड्रो हैलोजनेशन करवाते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। सीधी सीधी बात, ये एच बी आर निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एच बी आर निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। लेकिन याद रखना कि हमेशा एलिमिनेशन अल्फ़ा और बीटा पोजिशन से ही होना चाहिए, इसके अलावा आप ये पोजिशन से एलिमिनेशन नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, सी एच थ्री, सी एच एच सी एच टू, एक मिनट और यहाँ पे है सी एच टू। ध्यान से देखो, यहाँ से निकला बी आर, यहाँ से निकला एच, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इसलिए ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे भी अल्किन फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी अल्किन फॉर्म हुआ, दोनों ही केसेस में डीहाइड्रो हैलोजनेशन हुआ, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल हुआ, दोनों ही केस में एलिमिनेशन हुआ, मतलब ही अल्किन का फॉर्मेशन हुआ, ग्रुप एलिमिनेट हुए। और हमेशा याद रखना कि हैलोजन अल्फा पोजीशन से निकलता है और हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से। फिर आपने यहाँ पे ये भी देखा, एक बार लेफ्ट साइड से हुआ, एक बार राइट साइड से हुआ, जब लेफ्ट साइड से हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, जब राइट साइड से हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ। अब ये भी याद रखना है, इस वाले अल्किन में आपका जो बन रहा है वो है ब्यूट टूइन, क्योंकि टोटल चार कार्बन है इसलिए ब्यूट, और सेकेंड पोजिशन पर अल्किन है इसलिए ब्यूट टूइन। यहाँ पर इस वाले अल्किन का नाम होता है ब्यूट वनइन, इसको ब्यूट वन इन इसलिए बोला जाता है क्योंकि टोटल चार कार्बन है और फर्स्ट पोजीशन पे आपका अल्किन है इसलिए ब्यूट वन इन बोला जाता है। याद रखना यहाँ पे हम लोग एक रूल को अप्लाई करते हैं जो कि होता है सेटजेफ रूल, और इस रूल को पढ़ाने के लिए लगभग आधी घंटा लगता है, तो वो रूल अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, वो नॉर्मल क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन याद रखना जो अल्किन मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, समझ जाना, जो टू वाला अल्किन होता है ना जनरली वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, इसका मतलब ये स्टेबल होता है। इसी के साथ साथ ये वाला प्रोडक्ट कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, याद रखना। और ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, समझ गए इतना, क्योंकि टू वाला जनरली मोर स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मोर स्टेबल। तो आप अभी फिलहाल रूल को मत समझो, टू वाला समझ लो, ठीक है, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाले पार्ट को। चलिए अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। चलिए ध्यान देना यहाँ पे कि बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लेंगे क्लोरोबेंजीन को, हर तरफ आपको क्लोरोबेंजीन को लेने का है। अब क्लोरोबेंजीन में आप लोग अलग अलग ग्रुप डालेंगे, सबसे पहले अलग अलग ग्रुप का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप डाल दो लेट अस से Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ले लो नेक्स्ट केस में H2SO4 कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, फिर आप लोग ले लो HNO3 प्लस H2SO4, फिर नेक्स्ट है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, उसके बाद में है CH3C(OCl) इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। चलो करते हैं डिस्कस, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, हर तरफ आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को हर तरफ आप लिख देंगे,
चलो यहाँ पे आपको याद रखना है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 से आपको Cl मिलता है, तो एक Cl लगाने का ऑर्थो पर, एक Cl लगाने का पैरा पर। याद रखना अगर दोनों के दोनों ग्रुप 1-2 पोजीशन पर होते हैं, 1 और 2, तो इसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं। अगर दोनों के दोनों ग्रुप 1-4 पोजीशन पर होते हैं तो उसको हम लोग पैरा बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लेना है कि अगर कोई भी दो ग्रुप 1-2 पोजीशन पर लगे तो ऑर्थो, अगर कोई भी दो ग्रुप 1-4 पोजीशन पर लगे है तो पैरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 है तो आपको क्लोरीन मिलेगा, तो मैंने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया। अगर आपको सिर्फ कंसेंट्रेटेड H2SO4 दिखता है, इसका मतलब वहाँ पे आपको जो ग्रुप मिलता है वो मिलता है SO3H, तो एक SO3H को लगाएंगे ऑर्थो पर, एक SO3H को लगाएंगे पैरा पर। फिर आपको दिख रहा है कंसेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, यहाँ पे आपको मिलता है NO2 ग्रुप, तो एक NO2 लगाएंगे ऑर्थो पर, एक NO2 लगाएंगे पैरा पर। यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसको हम लोग फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन भी बोलते हैं। ये वाली जो रिएक्शन है इसको फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन भी बोला जाता है। कभी कभी पेपर में इसको नाम से भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन को फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन बोलते हैं और जो नीचे वाली रिएक्शन है उसको फ्रिडल क्राफ असाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3Cl, तो यहाँ से आपको मिलता है CH3, एक CH3 जाएगा ऑर्थो पर, एक CH3 जाएगा पैरा पर। नेक्स्ट केस में आपको दिख रहा है CH3C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O CH3 ऑर्थो पे जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 पैरा पे जाएगा। तो करना कुछ भी नहीं है, एक बार आपको बनाने का है ऑर्थो प्रोडक्ट, एक बार आपको बनाने का है पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो का मतलब ही बोलते हैं 1-2 और पैरा का मतलब ही होता है 1-4। अगर आपको कहीं पे भी दिया जाए Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो क्लोरीन मिलता है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 दिया है तो H2SO4 से आपको SO3H मिलता है, H2SO4 प्लस HNO3 दोनों आ जाए तो NO2 मिलता है, CH3Cl से आपको CH3 मिलता है और CH3C डबल बॉन्ड O Cl से आपको C डबल बॉन्ड O CH3 मिलता है। ये सभी ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर लगाना है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. आप सभी की फरमाइश पे ही भाई मैंने ऑर्गेनिक का पूरा वन शॉट मतलब ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड पे पढ़ाए, तो अब आप लोगों की फरमाइश पे भाई मैंने ये काम किया, तो आप लोगों को मेरी फरमाइश पर लाइक, शेयर और कमेंट तो करना ही है। थैंक यू वेरी मच।